ये भारत में गाय को गौ माता क्यों कहते हैं? क्या ऐसे ही किसी जानवर को माँ का दर्जा देना ठीक बात है? क्यों गाय को मारना हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है? आज की वीडियो में कुछ ऐसे एंशियंट भारत और साइंस को जोड़कर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिले तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत में 35 से 40% लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो सिर्फ गाय का मांस खाने में इतनी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों? भारत की संस्कृति पिछले 6000 साल से एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है। द वंडर दैट वाज इंडिया बुक के हिसाब से वेडिकेट से ही भारत में गाय और बैल को एक करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आपके पास जितने गाय और बैल उतना ही ऊंचा आपका सोशल स्टेटस। और गाय से निकलने वाले दूध और गोबर यानी काउडन को हमेशा से पेट भरने और फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सूखा पड़े या बाढ़ आए, लोग कैसे ना कैसे दूध पीकर अपना पेट भर ही लेते थे। और गाय को पालने का मेंटेनेंस भी और जानवर से बहुत ज्यादा कम हुआ करता था। एक माँ चाहे खुद भूखी सो जाए पर अपने बच्चों को कभी भूखा पेट ना सोने दे, इसलिए धीरे धीरे गाय को माँ के रूप में देखा जाने लगा। ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी की बात, पर असली मजा साइंटिफिक रीजंस में ही है। द इंडियन काउ, जिसका साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस भी है, बॉस इंडिकस गाय जैसे गिर गाय, रेड सिंधी गाय, ये दुनिया में एक लौती प्रजाति है जिसके पीछे कैमल की तरह एक हम्प होता है। ये गाय सिर्फ भारत और कुछ एशियन देश में ही पाई जाती है। कुछ विद्वान और योगी ये मानते हैं कि इस बड़े से दिखने वाले हम्प में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो काउ के बाय प्रोडक्ट जैसे मिल्क, घी और काउडन को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बनाती है। पर दूध तो दुनिया की हर गाय देती है, तो द इंडियन काउ में ऐसा स्पेशल क्या है? दिस इज मेडिकली प्रूवन दैट द इंडियन काउ फॉरेन की काउ जैसे जर्सी, होल्स्टेन से ज्यादा बेटर क्वालिटी बाय प्रोडक्ट्स देती है। इंडियन काउ A2 क्वालिटी प्रोटीन मिल्क देती है, जिसमें अल्फा 2 केसीन प्रोटीन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस दूध में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को आसानी से डाइजेस्ट कर देते हैं। कंपैरिजन में फॉरेन काउ जैसे जर्सी और होल्स्टीन A1 टाइप क्वालिटी मिल्क देती है। इसमें बीटा कैसोमॉर्फिन नाम से एक पेप्टाइड होता है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और इम्यूनिटी कम कर देता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज वीगन बनने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीज में दूध और दूध के बाय प्रोडक्ट से फायदे से ज्यादा नुकसान है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस टाइप का दूध पीने से बीमारी जैसे ऑटिज्म, अल्जाइमर्स और अलग अलग प्रकार की एलर्जीज होना बहुत ही कॉमन है। और विदेश की कुछ कंपनियां भारत से गाय इंपोर्ट करके A2 क्वालिटी दूध भी बेचती हैं। क्यों? यू नो द रीजंस, उसके अमेजिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की वजह से। इंडियन काउज A2 मिल्क इज रिच इन विटामिंस लाइक A1, B2, B3, B12 व्हिच इंप्रूव्स इम्यूनिटी। ये दूध हार्ट पेशेंट और फीडिंग मदर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि काउ डंग में एंटी थर्मल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए पुराने जमाने में लोग इसे अपने फ्लोर, घर की छत और दीवारों पर भी लगाया करते थे, और इससे घर को ठंडा रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। काउ डंग में कोबाल्ट, आयरन, सोडियम, फॉस्फोरस, बोरॉन और नाइट्रोजन जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसे फार्मर्स खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे फसल और भी ज्यादा पौष्टिक और अच्छी होती है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो इंडियन काउ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं, ये दुनिया के किसी भी जानवर में नहीं है। आयुर्वेद तक में गाय और गाय के बाय प्रोडक्ट्स ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल माने गए हैं। गाय को गौ माता कहने के पीछे में भी बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और कुछ लोग पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी इस टॉपिक को उठाते हैं। पर हम सबको इन सबसे परे हटके ये जानना बहुत जरूरी है कि गाय के बाय प्रोडक्ट्स हजारों सालों से इंसानों को सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचाते आ रहे हैं, और शायद गाय को इसलिए गौ माता भी कहते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को भी दिखाइए। अपने पेरेंट्स को गाय को गौ माता कहने के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी बताइए।